हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का प्रश्न पत्र है, जो कि प्रश्न पत्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है, जो कि विद्या भारती से बनकर आता है। तो चलिए आपको आज हम बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए आपका रीडिंग का होता है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसी पैसेज पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, टोटल आपके 15 अंक हो जाते हैं। इस प्रकार तो ये पैसेज दिया गया है, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पैसेज आप पढ़ेंगे और उसके आधार पर ये आपको क्वेश्चन देने हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एंटोनिम्स छांटने हैं, जो इन शब्दों के एंटोनिम हैं। इसके बाद सेक्शन बी आता है राइटिंग का, जिसमें आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है, जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं 150 शब्दों में, और आपका ये 10 नंबर का होता है, जिसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं मोबाइल फोन्स, बॉर्न और कर्स, वाटर इज लाइफ, इंटरनेशनल योगा डे, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मीन्स ऑफ चेकिंग टेररिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, इंडिया डिस्कसिंग द इविल्स ऑफ द चाइल्ड मैरिज सिस्टम, अथवा राइट लेटर टू सब डिविजनल ऑफिसर टेलीफोन आगरा रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। तो ये भी आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में आपके ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और इस प्रकार एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस प्रकार आपके 10 अंक हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखा है, चेंज एज डायरेक्टेड, आपको यहाँ पर कोष्टक में दिया जाएगा कि आपको इसका क्या करना है। श्याम सेड गुड नाइट प्रशांत, वी विल मीट अगेन टुमारो, तो ये आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ वेरी पंचुअल, ही स्टडीज इन क्लास ट्वेल्थ, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, इसे आप कंपरेटिव में बदलेंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट्स यू फॉर योर सक्सेस, आपको इसको सिंटेक्स करना है, मतलब कि करेक्ट करना है। इसके बाद एंटोनिम लिखना है डोमेस्टिक रिवील का, और वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस प्रकार आपके 10 नंबर हो जाते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले क्या आइटम्स एंड फ्रेजेस दिए गए, थ्रू एंड थ्रू, कित एंड किन, राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, सिनोनिम्स आपको लिखने हैं, यानी पर्यायवाची, वेलनेस, फ्रीडम, यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट डिफरेंस इन देयर मीनिंग, कैरियर कैरियर, चाइल्ड इज चाइल्ड लाइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग पर्सन फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, टू कॉल नेम्स, टू निप इन द बड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसमें आपको एक स्टोरी दी जाएगी, 5 नंबर में आपको ये बनानी होगी, तो ये आप स्टोरी पढ़ लें। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी का एक लड़का, जिसकी आई उम्र 10 वर्ष की थी, एक ज्योतिषी के पास गया। उस बच्चे ने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखलाया और उससे पूछा, श्रीमान क्या मैं विश्व का बादशाह बन सकता हूँ? आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको पेपर से संबंधित PDF मिल सकती हैं, तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद सेक्शन डी आता है लिटरेचर का, जिसमें आपको पहला है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से, आपको यानी कि प्रोज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स में, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। 3 दिए गए हैं, आपको 2 लिखने हैं, इनमें से कोई में 2 लिखेंगे, और आप 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, राइट आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड, यानी कि ये आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। कितने नंबर का, इसमें से आपको कोई एक ही लिखना है, 2 दिए गए। वाई बात इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव
his school attempt a character sketch of the peddler in the story. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके रीड द फॉरेन स्टेंजा आंसर दी गिवन पोएट्री से आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा पोएम का और इसमें से आपको कितने 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका ये पैसेज पोएट का 6 नंबर का हो जाता है। Perhaps the earth can teach us as when you everything seems dead and later proves to be alive. Now we'll count up to 12. What does the earth teach us? What does the poet means achieved by counting up to 12? What is the significance of keeping quiet? Find out of the figure speech used in the above lines. इसके बाद जो question number 3-10 है जिसमें आपको write the central idea of the following. दो chapter आपके poetry के दिए गए हैं lesson. उसी में से आपको किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर में आपको ये सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स, ये आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर इसमें से आपको 3 दिए गए हैं, आपको कोई 2 करने हैं। व्हाई डू द पीपल मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका। इसके बाद वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सादाउस डोरस्टेप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 150 वर्ड, ये आपका लॉन्ग आंसर है सप्लीमेंट्री से, ये भी आपका 7 नंबर में है। आपको इसमें 2 दिए गए हैं, आपको कोई 1 करना है, 1 करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार ये आपका था 12th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर। अभी आपके वहाँ एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें जिससे आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।